यार ये वाला टाइम टेबल भी सही नहीं है, आज ना एक नया टाइम टेबल बनाता हूँ और फिर इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करूंगा। लेकिन एक सेकंड, मजा ना तुम्हें फिर भी नहीं आएगा, कुछ दिन बाद तुम इसे भी फॉलो नहीं कर पाओगे और फिर से एक दूसरा टाइम टेबल बनाओगे। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो बार बार नए नए टाइम टेबल्स बना रहा है, क्लास में टॉप करने के लिए नए नए प्लान्स बना रहा है, लेकिन आपकी ये प्लानिंग ज्यादा दिनों तक टिकती ही नहीं है और फिर से आप एक नया टाइम टेबल बनाते हो और फिर उस पर भी आप नहीं टिक पाते हो, इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? इसके 5 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका टाइम टेबल हमेशा कचरे के डिब्बे में मिलता है। अगर आपने इन्हें ठीक कर लिया तो फिर आप एक ही टाइम टेबल फॉलो करके टॉप करोगे, ये लिख के रख लेना। तो वो 5 रीजन है, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना, पढ़ाई में फोकस ना कर पाना, डिस्ट्रैक्ट होना, पढ़ा हुआ याद ना रहना एंड नंबर 5 डीमोटिवेट होना। देखिए अगर आपके पास इनका सॉल्यूशन है ना तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता और इन 5 पॉइंट्स को आज हम एक ही वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। तो चलिए फिर एक एक करके इन 5 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। नंबर 1, पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लाएं? देखिए किसी भी चीज में इंटरेस्ट लाने का एक सीधा सा फंडा है, बर्निंग डिजायर, यानी कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो, उस काम को करने के पीछे की वजह क्या है। यार सिंपल सी बात है, हम सब पढ़ाई करते हैं नॉलेज के लिए, ताकि उसके द्वारा हम एक अच्छी जॉब ले सके और उससे हम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक बड़ी वजह होती है उस काम को करने की। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि यार 90+ लाना तेरे बस की बात नहीं है, तू उसका तो सपना ही छोड़ दे, या मार्क्स को लेकर किसी ने आपके इंसल्ट की हो, या फिर आपके पेरेंट्स से किसी ने कहा हो कि तुम्हारा बेटा तो नालायक है, वह कभी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है आप उन लोगों को गलत प्रूव करना चाहते हो और यह साबित करना चाहते हो कि आपके अंदर भी वो काबिलियत है जिससे आप जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। तो याद करो उस दिन को जब आपसे किसी ने ये सब कहा हो कि यह काम करना तेरे बस की बात नहीं है, और उस बात को विद डेट अपनी डायरी में नोट कर लो और हर दिन उस नोट को देखकर कहो कि मुझे एक दिन तुम लोगों को गलत साबित करना है। और हर दिन ऐसा करने से आपको वो बात हमेशा याद रहेगी कि यार मुझे उन लोगों को गलत साबित करके खुद को एक अच्छे मुकाम पर देखना है और उसके लिए मुझे पढ़ना होगा। इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने के लिए आपके पास एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बर्निंग डिजायर किसी भी इंसान से वो करवा सकता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। नंबर 2, फोकस होकर पढ़ाई कैसे करें? देखो जब आप पढ़ाई करते हो तो ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप एक ऐसी जगह बैठकर पढ़ाई करते हो जहां आपके पास डिस्ट्रैक्शन की सारी चीज रखी हो, लाइक स्मार्टफोन, टीवी या फिर कुछ और, तो ये सब चीजें ना आपको कभी भी फोकस होकर पढ़ाई नहीं करने देगी। अपनी टेबल पर बहुत सारी किताबें रखना यह भी डिस्ट्रैक्शन का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि जब आपकी टेबल पर बहुत सारी किताबें रखी होंगी तब आप किसी एक बुक को फोकस होकर पढ़ी नहीं पाओगे, कभी ये बुक पढ़ोगे तो कभी दूसरी बुक, और इस तरह से आप किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो आपको एक ऐसी जगह चूज करनी है जहाँ पर जीरो डिस्ट्रैक्शन हो, वहाँ पर आपकी मैक्सिमम 2 या 3 बुक्स और पानी की बोतल के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने मन में एक बात हमेशा रखना कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है, जब मेरा पढ़ाई का टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही कुछ और करना है। जब आप इस तरह से पूरी तैयारी के साथ पढ़ने बैठोगे तो आपके ब्रेन को पहले ही ये पता रहेगा कि जब तक आपका स्टडी शेड्यूल पूरा नहीं होगा तब तक और किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना है, तो इस कारण हमारा ब्रेन पूरे फोकस के साथ उस काम को फिनिश करने की सोचेगा ताकि वो फ्री हो सके, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना पढ़ाई जैसे बोरिंग काम से बचना चाहता है। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? अगर इस दुनिया का कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो वो है स्मार्टफोन। डिस्ट्रैक्शन का 70-80% हिस्सा केवल स्मार्टफोन कवर करता है। इसकी वजह से सोशल मीडिया एडिक्शन, ऑनलाइन चैटिंग एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन और ना जाने कितने तरह के एडिक्शन हो जाते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन से थोड़ी दूरी बना लो ना तो आपका 70-80% डिस्ट्रैक्शन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप इसे दूर रखना तो चाहते हो लेकिन दूर नहीं रख पाते हो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लेकिन डोंट वरी, अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप स्मार्टफोन के डिस्ट्रैक्शन को काफी हद तक कम कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने फोन का होम स्क्रीन पासवर्ड अपने माँ या पिताजी से चेंज करवा लेना है और उनसे बोलना है कि अगर मैं आपसे पासवर्ड पूछूं तब भी आपको मुझे पासवर्ड नहीं बताना है, और जब आपका स्टडी शेड्यूल पूरा हो जाए तब आपको अपने पेरेंट्स से 1-2 घंटे के लिए पासवर्ड पूछ लेना है। लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब आप घर पर हो। एक दूसरा तरीका और है, ये भी आपका डिस्ट्रैक्शन काफी हद तक कम कर देगा। उसके लिए आपको अपने फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं जिनमें आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता है उनमें आपको टाइम लिमिट सेट कर देनी है कि इससे ज्यादा मैं इस ऐप को यूज कर ही नहीं सकता, बस इतना करना है आपको। उसके बाद आपको जो भी काम करना हो या आपका जो भी डाउट हो उसे सर्च करके देख सकते हो, और आप ऑनलाइन लेक्चर देखकर या अपने दोस्तों से डिस्कस करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। सच में ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें से जो फर्स्ट वाली टेक्निक है उसका यूज करके जेम्स क्लियर ने अपनी फेमस बुक एटॉमिक हैबिट को लिखा था। उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उन सबके पासवर्ड चेंज कर दो और मुझे फ्राइडे तक मत बताना। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन को
कम कर सकते हैं। जब स्मार्टफोन का पासवर्ड आपको पता ही नहीं होगा तो आप चाह कर भी उसे यूज नहीं कर पाओगे, और ऐसा रोजाना करने से धीरे धीरे आपका स्मार्टफोन का एडिक्शन भी खत्म हो जाएगा। नंबर 4, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ये पॉइंट ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ लो, कितना भी फोकस होकर पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर वह आपको याद ही नहीं रहेगा तो उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आपके द्वारा की गई उस मेहनत का कोई सेंस नहीं निकलेगा। पढ़ा हुआ याद करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो है राइटिंग टेक्निक। आपने जो भी पढ़ा है, पढ़ने के 30 से 40 मिनट बाद उसे की पॉइंट्स के रूप में लिखो, और जो लिखने के बाद भी आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो आपको उसे दोबारा से पढ़ना है। इसके बाद फिर से जो दोबारा आपने पढ़ा है सिर्फ उसे लिखना है। इससे वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। अब आप उसे लंबे समय तक आसानी से याद भी रख पाओगे। नंबर 5, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। देखो, हम सब इंसान हैं और हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। हम अपने आप को एक जैसा नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, हम कुछ छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। जैसे कि आपको हर दिन छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या फिर इतने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। आपको गोल हमेशा छोटा बनाना है और पढ़ना ज्यादा है, क्योंकि जब दिन के लास्ट में आपका गोल पूरा होगा ना, तब आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार, आज मेरा जो भी गोल था मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है, और अगले दिन आप और भी ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। और अगर आप डेली के गोल को पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यार बस गोल ही तो पूरा नहीं हुआ है, कोई लाइफ थोड़ी खत्म हो गई है। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल पूरा कर लेंगे, कल पूरी ताकत लगा देंगे। इस तरह से आपको हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देना है, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रह सको। तो गाइस, इस तरह से आप इन 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम में धमाका कर सकते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज कैसे एक्शन ले रहे हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो भले ही इस वीडियो को लाइक मत करना, लेकिन कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर करना। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे जिसको इसकी जरूरत है। अगर आपने इसे अपने एक फ्रेंड को भी शेयर कर दिया ना, तो समझो आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब उसकी बारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।